आज तक वहां पर देखा जा रहा है और हमारी सबकी नजर आज आम आदमी पार्टी के भी दफ्तर में आज तक पर है और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी आम आदमी भी आज यही देख रही होगी क्योंकि ये 15 जो है बीच का फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 12 सीटों की उछाल रुझानों के मुताबिक बीजेपी के पक्ष में जाती हुई। जल्दी से आशुतोष। देखिए जब भी देश की कोई बड़ी घटना होती है तो देश का भरोसा आज तक पे होता है और आज अब दिल्ली के नतीजे हो रहे हैं और लगभग ऐतिहासिक ट्रेंड है तो यहां पर ठीक मेरे पीछे भी आज वही बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। लेकिन अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो अपने आप में और दिलचस्प है। लोग दर्शक ये भी देखना चाहेंगे होंगे कि आखिर अंदर का क्या नजारा है। उस बड़ी स्क्रीन से पहले आपको अंदर का नजारा दिखाता हूं। ये देखिए 60 से 70 फीट लंबा एक मंच बनाया गया है जहां पर देश के साथ साथ जो विदेशी मीडिया है वो भी यहां पर पहुंचा है दिल्ली के उस चुनाव को कवर करने के लिए। और इसके साथ ये वो मंच है जहां से कुछ ही घंटों में आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं जो बैकडोर टीम है वो पहले तैयारी कर चुकी है। उस मंच से एक तस्वीर लगाई गई है, अच्छे होंगे 5 साल, ये वो नारा और उस नारे के साथ उस मंच पर अरविंद केजरीवाल होंगे जहां से संबोधन होगा। और इस मैदान में पहले ही जो समर्थक हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। टोपियों का हुजूम यहां पर है और यहां लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, घोषणा की जा रही है कि लोग एक जगह इकट्ठा हों ताकि हर कोई इस मौके को देख सके, इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बन सके। क्योंकि 5 साल बाद एक सरकार जो अपने कामकाज के नाम पर लौटी है, यूं तो देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का यह दूसरा चुनाव है लेकिन अंजना बतौर मुख्यमंत्री 5 साल काम करने के बाद एक संगठन जिसके बाद नगर निगम से लेकर के सांसद तक मौजूद हैं और उसके बाद इस तरह से चुनाव लड़ना, यह अरविंद केजरीवाल का पहला चुनाव होगा।